नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 4 सितंबर साथियों, इस वीडियो में शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है, आरपीएससी पूर्व सदस्य कटारा रायका से आमने सामने बैठा कर पूछताछ। कटारा ने कबूला, परीक्षा से 5 दिन पहले ही एसआई भर्ती पेपर रायका को दे दिया था। जयपुर आरपीएससी का निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने कबूला है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर परीक्षा से 5 दिन पहले ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामराम रायका को दे दिया था। मंगलवार को एसओजी ने रायका और कटारा को आमने सामने बैठा कर 3 घंटे पूछताछ की। एसओजी ने जयपुर सेंट्रल जेल से कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया और दस्तक रिमांड पर लिया है। और माना जा रहा है कि दोनों पूर्व सदस्यों ने पेपर दलालों तक पहुंचाया है। आरपीएससी से रिकॉर्ड लेगी एसओजी। एसओजी एडीजी वीके सिंह ने बताया कि एएसपी राम सिंह शेखावत के नेतृत्व की टीम अब आरपीएससी से एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का रिकॉर्ड लेगी। जिन चयनित एसआई पर शक है उनसे भी पूछताछ होगी। और दूसरी ओर एसओजी कटारा से पूछताछ करने में जुटी है कि उसने पेपर कहां से किससे लिया था। आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट आज की, पेपर 3 जगह से लीक हुए। अगली खबर, पेपर लीक रोकने के लिए चयन बोर्ड की कवायद, टेबलेट बेस्ड टेस्ट का परीक्षण शुरू किया। पहली बार टेबलेट से होगी भर्ती परीक्षा, प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा, 10,000 अभ्यर्थियों वाली भर्ती में करेंगे लागू। पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोग कराया और बोर्ड ने अब टेबलेट से परीक्षा लेने की कवायद प्रारंभ की है। राजस्थान में भर्ती परीक्षा में पहली बार लागू किए जाने वाली सिस्टम को टीबीटी यानी टेबलेट बेस्ड टेस्ट नाम दिया गया है। इससे पहले बोर्ड ने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया था। इसमें हाइब्रिड मोड पर परीक्षा ली गई थी और विद्यार्थियों को पेपर कंप्यूटर उपलब्ध कराया गया और ओएमआर सीट ऑफलाइन दी गई थी। अब इससे भी आगे बढ़कर कोई जो है बोर्ड टीबीटी की तैयारी में जुटा है। इस प्रक्रिया का परीक्षण कराया जा रहा है। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो 5 से 10,000 तक अभ्यर्थियों की संख्या वाली भर्तियों की परीक्षाएं टीबीटी के जरिए कराई जाएगी। और वर्तमान में सीबीटी के लिए बोर्ड को निजी परीक्षा केंद्रों के भरोसे रहना पड़ता है। हर अभ्यर्थी का होगा लॉगिन और पासवर्ड, ये भी आप देख सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राजू, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर टेबलेट बेस्ड टेस्ट टीबीटी का परीक्षण कराया जा रहा है। इसमें हर एंगल को ध्यान में रखते हुए इसका परीक्षण कर रहे हैं। अगर सफल रहा तो इसको छोटी भर्तियों में लागू किया जाएगा। अगली खबरें, आरएएस भर्ती 2024 733 पदों के लिए विज्ञापन जारी। आवेदन 19 सितंबर से 18 अक्टूबर तक है। आप देख सकते हैं राज्य सेवा के 346 पद यहाँ पर दिया हुआ है, सेवा और पद इस प्रकार से हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को राजस्थान राज्य और अधीन सेवाएं भर्ती 24 के लिए तहत कुल 733 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इसमें राज्य सेवा के 346 पद और अधीन सेवाओं के 387 पद शामिल है। और आयोग द्वारा सहायक मदस्य विकास अधिकारी कुल 8 पद और समूह अनुदेशक अथवा सर्वे और सहायक शिशु या प्रशलाकार ग्रेड द्वितीय के 78 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किए गए हैं। अगली खबरें, आज में जयपुर में कई सेंटर ऐसे जहां प्रतियोगिताएं होनी है, स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताएं फिर स्थगित तो होने के आसार, आरपीएससी परीक्षाएं टकरा रही। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली 68वीं खेलकूद प्रतियोगिताओं के एक बार फिर स्थगित होने के आसार बन गए हैं। पूरे प्रदेश में नहीं तो अजमेर व जयपुर में प्रतियोगिता की तिथियों में बदलाव संभव है। कारण, प्रतियोगिता की तारीखें अब जो है आरपीएससी की 8 सितंबर से शुरू हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत कॉलेज शिक्षा 24 की तारीखों से टकरा रही है और आयोग की परीक्षाएं 8 से 19 सितंबर तक। इधर 8 सितंबर से ही खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होंगे और प्रतियोगिताओं के पहले 2 चरण 20 तक चलेंगे। इसे देखते हुए विभागीय अधिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है। जिन स्कूलों को खेलों की मेजबानी दी गई है उनमें से अधिकतर में आयोग की परीक्षा के लिए सेंटर भी बनाया गया है। आरपीएससी ने पत्र भेजा, जिन सेंटर पर परीक्षा वहां खेलकूद ना हो। अगली खबरें, आयोग की कई भर्तियां संदेह के घेरे में, रायका खोल सकता है बड़े राज। रायका 9 एग्जाम में पेपर सेटिंग कन्वीनर, 13 में इंट्री बोर्ड का चेयरमैन रह चुका। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले आरोपी रामराम रायका का अपने कार्यकाल के दौरान कुल 22 भर्ती परीक्षाओं में दखल रहा। इन परीक्षाओं में करीब 20 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और रायका 9 परीक्षाओं में पेपर सेटिंग में कन्वीनर और 13 में इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन रहा है। एसआई भर्ती पेपर लीक के बाद ये सभी परीक्षाएं संदेह के घेरे में। अब क्या इन
परीक्षाओं की भी जांच होगी। इस पर जो है एटीएस प्रमुख एडीजी वीके सिंह का कहना है कि परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी शिकायत करेंगे तो एसआईटी गहनता से तफ्तीश करेगी। उल्लेखनीय कि आरएस मेंस ग्रेड सेकंड स्कूल शिक्षक मेडिकल एजुकेशन संस्कृत एजुकेशन पीआरओ भर्ती फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जूनियर लीगल ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन परीक्षा में राम राम राय का पेपर सेटिंग में कन्वीनर रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट है। और इसके बाद में कटारा का बुला परीक्षा के 5 दिन पहले एसआई भर्ती पेपर रायका को दे चुका मौका तस्दीक के लिए रायका और कटारा को आज ला सकते हैं आयोग। ये भी बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग की वीसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन पाठ्यक्रम लागू एनएनसी 14 अक्टूबर से शुरू होगा सत्र। हर टीचर को 3 स्टूडेंट गोद लेने होंगे। हर महीने पीटीएम भी होगी। अगली खबरें आरपीएससी एसीबी दे चुके क्लीन चिट परिणाम को लेकर अभ्यर्थी कर चुके हैं प्रदर्शन। एसओजी एडीजी वीके सिंह अब बोले जांच होगी। ईओआरओ परीक्षा भी एसओजी जांच के घेरे में परिणाम पर लटकी तलवार। आरपीएससी की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर मची उथल पुथल के बीच अब एसीबी से क्लीन चिट पा चुकी है और ईओ और आरओ परीक्षा के फाइनल रिजल्ट पर भी तलवार लटक गई है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने भास्कर को दिए गए इंटरव्यू परीक्षा की भी जांच को लेकर के बात कही है और 23 अगस्त को ही अभ्यर्थियों ने फाइनल लिस्ट जो है फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आयोग सचिव को ज्ञापन दिया था और आयोग द्वारा 14 मई 23 को कराई गई ईओ आरओ भर्ती परीक्षा में भी भारी धांधली के मामले सामने आए थे। अभ्यर्थी जांच को तैयार बोले जल्द हो ताकि परिणाम शीघ्र आए। ये भी आप देख सकते हैं। और भीलवाड़ा में 9 नागौर में 5 और टोंक में 3 लगाए गए वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों का पदस्थापन। अजमेर को 16 मिले। एमडीएसयू पीएचडी रेगुलेशन 2022 के तहत न्यूनतम अवधि को किया गया था कम। यूजीसी अनुसार 2 साल में पीएचडी पूरी करानी है। एमडीएस में अब भी 3 साल का ही प्रावधान। अगली खबरें वीएमओयू विभिन्न कोर्स में जो है प्रवेश शुरू। अंतिम तिथि 25 सितंबर। और आयुर्वेद विश्वविद्यालय आयुष काउंसलिंग शुरू। आयुर्वेद की 5 कॉलेजों योगा की 7 सरकारी कॉलेजों की मान्यता अटकी। पीटीटी बीएड में 12,922 खाली सीटें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को आवंटित। अगली खबरें आईआईटी एडमिशन 9 साल में छात्रों की संख्या 4 गुना हुई। सेशन में 41,020 जेई एडवांस परीक्षा में छात्राएं बढ़ी स्पर्धा भी बढ़ी। इसके बाद में युवा बनेंगे हुनरमंद शिल्पकार प्रशिक्षण योजना में प्रदेश के 1,90,000 युवाओं को मिलेगी अलग अलग ट्रेनिंग। और अगली खबरें सीटी सीनियर सेकेंडरी में आवेदन शुरू। इन परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। बोर्ड ने आवेदन की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की। परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह आज के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं। और आरबीएसई निर्धारित तिथि पर चालान कटने पर भी विलंब शुल्क भेजा स्कूल संचालक बोर्ड पहुंचे। बोर्ड ने सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 5 तक बढ़ाई। और सीबीएसई मुख्य परीक्षाओं के आवेदन अगले सप्ताह तक। इसके अलावा पीटीटी वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित 9 सितंबर तक करनी होगी रिपोर्टिंग। पसंद का कॉलेज नहीं मिलने पर 7264 अभ्यर्थियों ने छोड़ी सीट। बीएड कॉलेजों में 12,922 सीटें खाली। तो साथियों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।